गुड मॉर्निंग एवरीवन, यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी तक में हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझ लिया, पॉलिनेशन को समझ लिया, डबल फर्टिलाइजेशन को समझ लिया, एंडोस्पर्म क्या होता है, एम्ब्रायो क्या होता है। लगभग इस चैप्टर में सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। कुछ टॉपिक बचा हुआ है, अगले एक से दो क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड, बीज के बारे में। सीड बीज के बारे में सब कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन था कि डबल फर्टिलाइजेशन में कुल कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत भेजा। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में कुल 5 न्यूक्लियस भाग लेता है। डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान टोटल 5 न्यूक्लियस भाग लेता है। बोलोगे कैसे? देखो, डबल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? सिनगेमी। सेकेंड फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी में क्या होता है कि एक मेल गेमिट जुड़ता है एग सेल के साथ। तो मेल गेमिट में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एग सेल में भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि सिनगेमी के दौरान टोटल 2 न्यूक्लियस भाग ले रहा है। ठीक है, फिर जो ट्रिपल फ्यूजन वाला फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि एक मेल गेमिट जुड़ जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेकेंडरी न्यूक्लियस में ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से बना होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस, ठीक, और उसमें जुड़ेगा एक मेल गेमिट, तो मेल गेमिट में भी एक न्यूक्लियस। तो एक मेल गेमिट में न्यूक्लियस हो गया और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस में न्यूक्लियस हो गया, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन के दौरान टोटल 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। इसलिए तो उसको ट्रिपल फ्यूजन नाम दिया गया है। दिया गया कि नहीं? ठीक है, यानी कि सिनगेमी में 2 न्यूक्लियस भाग लेगा, ट्रिपल फ्यूजन में 3 न्यूक्लियस भाग लेगा, तो 3 × 2 = 5 न्यूक्लियस, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान टोटल 5 न्यूक्लियस भाग लेता है। आ रहा है समझ में? और हम पूछे थे, मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि नारियल में कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब कुछ स्टूडेंट ने कहा कि न्यूक्लियर भी होता है, सेलर भी होता है, जो उसका लिक्विड होता है वो न्यूक्लियर होता है और जो उसका वाइट कर्नल जो खाने वाला भाग होता है वो सेलर होता है। तो नहीं, अगर एक वर्ड में आंसर मांगना हो तो फिर हम बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ना, वो शुरुआत में तो फुल्ली न्यूक्लियर टाइप का होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बाहर से धीरे धीरे सेलुलर में कन्वर्ट होने लगता है। तो ऐसा नहीं कि सेलर में कन्वर्ट होने लगा तो हम उसको बाद में सेलर एंडोस्पर्म बोल देंगे, नहीं, वो कहलाएगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक, पिछली क्लास में हमने आप सबको एम्ब्रायो के बारे में बताया था। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, मोनोकोट एम्ब्रायो, डायकोट एम्ब्रायो, फुल डिटेल्स में हम लोगों ने एम्ब्रायो के बारे में पढ़ा था। तो एम्ब्रायो से रिलेटेड अभी हम 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, एम्ब्रायो से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और चारों क्वेश्चन का आंसर नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, डायकोट एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान हमें एम्ब्रायो का कौन कौन सा शेप देखने मिलता है। डायकॉट एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान हमें एम्ब्रायो का कौन कौन सा शेप यानी कि आकृति देखने के लिए मिलता है। थोड़ा हिंट्स कर देते हैं, 4 आकृति हम बताए थे। फर्स्ट आकृति, फिर उसमें चेंजिंग होगा, फिर दूसरी तरह का आकृति, फिर तीसरे तरह का आकृति, फिर लास्ट में सबसे मैच्योर एम्ब्रायो, वो भी किसी खास आकृति का होता है। तो इन 4 आकृति को कोमा दे दे करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट आकृति क्या है वो लिखना है, फिर कोमा देना, फिर सेकंड आकृति, फिर थर्ड आकृति, फिर फोर्थ आकृति, कोमा दे दे करके पहला क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सस्पेंसर सेल की कौन सी सेल रूट कैप बनाती है। सस्पेंसर सेल की कौन सी सेल रूट कैप का निर्माण करती है, उस सेल का नाम बताना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, मोनोकोट एम्ब्रायो में रेडिकल किस आवरण से घिरा होता है। मोनोकोट एम्ब्रायो में रेडिकल के ऊपर का जो आवरण होता है ना, उस आवरण का नाम क्या है, ये भी लिखना है। ठीक, और फोर्थ क्वेश्चन है कि मोनोकोट एम्ब्रायो के कॉटिलीडन को और किस नाम से जाना जाता है। मोनोकोट एम्ब्रायो के कॉटिलीडन को और किस नाम से जाना जाता है। इन 4 क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं
सीड के बारे में, बीज के बारे में, ठीक है। जरा सा यहाँ ध्यान देना है, फ्लावर का ये है एक कार्पेल, ठीक है। ये क्या है? कार्पेल। कार्पेल के तीन भाग होते हैं, सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, फिर ये हो गया स्टाइल, और फिर ये हो गया ओवरी। इस ओवरी के अंदर में प्रेजेंट रहता है एक या एक से अधिक ओव्यूल। इस ओवरी के अंदर में प्रेजेंट रहता है एक या एक से अधिक ओव्यूल, तो ये क्या हो गया? ओव्यूल। इस ओव्यूल में प्रेजेंट रहता है एम्ब्रायो सैक, और यहाँ पर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। जब ओव्यूल के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो हम बताए थे कि फ्लावर के अधिकांश भाग मुरझा करके झड़के गिर जाते हैं, और ये जो ओवरी है, ये ओवरी आगे चल करके विकसित होगा और ओवरी से बन जाएगा फ्रूट यानी कि फल, और ये जो ओव्यूल है ये आगे चल करके विकसित होगा और ये बन जाएगा सीड यानी कि बीज। बनेगा कि नहीं? यानी कि ओवरी आगे चल करके विकसित होकर बनाता है फल और ओव्यूल बना लेता है बीज। तो बीज जो होता है ना, तो बीज जो होता है ये वास्तव में फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, यानी कि जिस ओव्यूल के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जिस ओव्यूल के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो चुका है, हम उसी ओव्यूल को बोलते हैं सीड यानी कि बीज। देखते हैं कि यहाँ बीज के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखो, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड यानी बीज कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही बीज कहते हैं, यानी कि ओव्यूल के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब हम उसी ओव्यूल को क्या बोलेंगे? सीड यानी कि बीज बोलेंगे। और देखो क्या लिखा हुआ है, एंजियोस्पर्म में बीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी पुष्पी पौधे होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, या एंजियोस्पर्म ग्रुप में उसको हम रखते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लास्ट उत्पाद होता है वो होता है बीज। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? बीज होता है। फिर बीज को बोएंगे तो वह अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण करेगा। इसीलिए यहाँ लिखा गया है एंजियोस्पर्म्स में बीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब देखो क्या है, बीज फल के अंदर बनते हैं, यानी कि बीज का निर्माण एंजियोस्पर्म में, हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की बात नहीं कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म में डायरेक्ट बाहर में ही बीज बनता है। जिम्नोस्पर्म वाला जो प्लांट होता है ना, जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, उसमें फल नहीं होता, उसमें डायरेक्ट बीज बाहर में ही रहता है। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बीज बनता है कहाँ? फल के अंदर। बाहर से रहेगा फल और उसके अंदर में रहेगा बीज, इसलिए लिखा गया है बीज फल के अंदर बनते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एक बीज में मुख्य रूप से क्या क्या होता है, तो सीड कोट, कॉटिलीडन तथा एक एम्ब्रायो एक्सिस या एम्ब्रायोनल एक्सिस या एम्ब्रायोनिक एक्सिस, ठीक है। देखो बोलता है कि बीज में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो बीज में मुख्य रूप से सीड कोट होता है। सीड कोट क्या होता है? देखो, जैसे ओव्यूल के बाहर में कवर होता है ना, जिसको बोलते हैं इंटिगमेंट। ओव्यूल के बाहर में दो कवर होता है जिसको बोलते हैं इंटिगमेंट। जब ओव्यूल बीज में कन्वर्ट होता है ना, तो ओव्यूल का वो इंटिगमेंट यानी ओव्यूल का जो कवर है वह बीज के कवर में चेंज कर जाता है, और बीज के कवर को ही हम कहते हैं सीड कोट। अभी कुछ देर के बाद हम सीड कोट के बारे में और डिटेल्स में बताएंगे। और तो हो क्या हो गया, सीड कोट हो गया बीज में, और क्या होता है? कॉटिलीडन। बताए थे ना कि मोनोकोट सीड अगर होगा तो उसमें एक कॉटिलीडन होगा, और डाइकोट सीड होगा तो उसमें दो कॉटिलीडन होगा। और एक होता है एम्ब्रायो एक्सिस, एम्ब्रायोनिक एक्सिस, पिछले क्लास में बताए थे, ठीक। तो एक सीड में क्या क्या मुख्य रूप से पाया जाता है? सीड कोट, कॉटिलीडन और एम्ब्रायो एक्सिस। उसके बाद देखो क्या है, एम्ब्रायो के कॉटिलीडन में प्रायः फूड संचित रहता है। एम्ब्रायो का जो कॉटिलीडन होता है, सीड के अंदर में एम्ब्रायो है और उस एम्ब्रायो में क्या है? कॉटिलीडन है। तो कॉटिलीडन में क्या जमा है? फूड, भोजन जमा रहता है, इसलिए कॉटिलीडन प्रायः फुला हुआ रहता है, ठीक। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मेच्योर सीड जो होता है ना वह दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन? एक नन एल्बुमिनस अथवा एल्बुमिनस,
यानी कि जो परिपक्व बीज होता है उसका दो प्रकार हो सकता है, एक नन एल्बुमिनस सीड हो सकता है या फिर एल्बुमिनस सीड हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ कि ये नन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस सीड होता क्या है। नन एल्बुमिनस सीड को हम नन इंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं, नन एल्बुमिनस सीड को हम नन इंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं और एल्बुमिनस सीड को हम इंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। ठीक, पहले जब हम इंडोस्पर्म बता रहे थे तो वहाँ पर भी ये इंडोस्पर्मिक सीड नन इंडोस्पर्मिक सीड आया था। ठीक, और अभी हम लोग सीड के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी ये टॉपिक आ गया। तो हम जानते हैं कि जब बीज के अंदर यानी कि जब ओव्यूल के अंदर जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर एक बनता है जायगोट, एक बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जायगोट से आगे चल करके एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आगे चल करके इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। लेकिन कि ओव्यूल के अंदर में पहले बनता है इंडोस्पर्म और उसके बाद बनता है एम्ब्रायो, तो एम्ब्रायो बाद में बनता है। जब एम्ब्रायो लगातार ग्रोथ करते आता है ना, एम्ब्रायो का जब डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रायो इंडोस्पर्म से लगातार फूड को लेते जाता है, इंडोस्पर्म का मात्रा घटते जाता है और एम्ब्रायो का मात्रा धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो एम्ब्रायो का साइज बढ़ेगा, इंडोस्पर्म का साइज घटेगा। अब क्या हम पहले बताए थे कि क्या एम्ब्रायो टोटल इंडोस्पर्म को खा जाता है या कुछ इंडोस्पर्म बच जाता है? तो दोनों तरह का बात हो सकता है, यानी कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें एम्ब्रायो अपने डेवलपमेंट के दौरान टोटल इंडोस्पर्म को खा जाता है, पूरा इंडोस्पर्म को ख़त्म कर देता है और उस बीज में इंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान सभी इंडोस्पर्म का यूज नहीं कर पाता है और बीज में कुछ इंडोस्पर्म बच भी जाता है। ठीक, तो जिस बीज में एम्ब्रायो अपने डेवलपमेंट के दौरान पूरे इंडोस्पर्म को खा जाता है उसमें इंडोस्पर्म बचता नहीं है, हम ऐसे बीज को बोलेंगे, ऐसे बीज को बोलेंगे नन एल्बुमिनस सीड या नन इंडोस्पर्मिक सीड। और अगर बीज के अंदर का जो एम्ब्रायो है वह अपने डेवलपमेंट के दौरान पूरे इंडोस्पर्म का यूज नहीं कर सकता है, कुछ इंडोस्पर्म बच जाता है, तो हम ऐसे बीज को बोलते हैं इंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड। देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, नन एल्बुमिनस सीड या फिर नन इंडोस्पर्मिक सीड, वह बीज जिसमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान संपूर्ण इंडोस्पर्म खर्च हो जाता है, यानी वह बीज जिसमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान संपूर्ण इंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है और बीज में इंडोस्पर्म नहीं बचता है, ठीक है, तो हम उसे नन एल्बुमिनस सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड या उसी को नन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और इस बीज के एम्ब्रायो को कॉटिलिडन से भोजन मिलता है, जब इंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा तो भोजन देने के लिए कुछ तो होगा ना, तो कॉटिलिडन से भोजन मिलता है। इसका एग्जाम्पल है मटर, पी, मूंगफली, ग्राउंड नट। ठीक है, फिर देखो क्या है, एल्बुमिनस सीड यानी कि इंडोस्पर्मिक सीड, वह बीज जिसमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान संपूर्ण इंडोस्पर्म खर्च नहीं होता है और बीज में थोड़ा इंडोस्पर्म रह जाता है, तो हम उसी को बोलेंगे एल्बुमिनस सीड या इंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, और इसका एग्जांपल है गेहूं, वीट, मक्का, मेज, अरंडी यानी अंडी, कास्टर, नारियल, कोकोनट, सूर्यमुखी, सनफ्लावर, ईटीसी, पहले पढ़े थे। देखो जिस बीज में, सिंपल सी बात है, जिस बीज में इंडोस्पर्म होगा, जिस बीज में इंडोस्पर्म की कुछ मात्रा बच जाएगी उस बीज को हम बोलेंगे इंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, और जिस बीज में इंडोस्पर्म नहीं रहेगा, इंडोस्पर्म खत्म हो चुका होगा, उसको बोलेंगे नन इंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम अगले पेज के साथ आ रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पेरिस्पर्म के बारे में कि पेरिस्पर्म होता क्या है। देखो लिखा है ना पेरिस्पर्म, ये पेरिस्पर्म है क्या, पहले इस फिगर पर ध्यान दो, ये क्या चीज़ का फिगर है, तो ये है एक ओव्यूल का फिगर। इस ओव्यूल में हमें दिखाई पड़ रहा है कि ओव्यूल के चारों ओर दो कवर है, बाहर के कवर को हम बोलते हैं आउटर इंटिगमेंट, उसके अंदर वाली कवर को बोलते हैं इनर इंटिगमेंट, हम
इंटिगमेंट में एक छिद्र भी देख रहे हैं, इस छिद्र को कहते हैं मैक्रोपाइल। ओव्यूल के अंदर हमें एम्ब्रायोसेक दिखाई पड़ रहा है और ये एक टिशू दिखाई पड़ रहा है, इस टिशू को हम कहते हैं न्यूसिलस। ये जो टिशू है ना ओव्यूल के अंदर में, इस टिशू को हम बोलते हैं न्यूसिलस। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये पेरिस्पर्म है क्या। जब ओव्यूल में डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर पूरा का पूरा ओव्यूल बदल जाएगा किसमें, सीड में, बीज में। जब ओव्यूल में डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो पूरा का पूरा ओव्यूल किसमें चेंज कर जाएगा, सीड में। ठीक, अब होता क्या है कि ज़्यादा करके ओव्यूल के अंदर का जो न्यूसिलस है ना, ये समाप्त हो जाता है, बीज में यह न्यूसिलस बचता नहीं है। लेकिन किसी किसी बीज में इस न्यूसिलस का कुछ अंश रह जाता है, न्यूसिलस की कुछ मात्रा बची हुई रहती है। यानी कि ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होने के बाद पूरा का पूरा ओव्यूल बीज में चेंज करेगा, लेकिन कि ये जो न्यूसिलस है ये प्रायः खत्म हो जाता है। लेकिन कि किसी किसी बीज में इस न्यूसिलस की कुछ मात्रा बची हुई रह जाती है, तो अगर बीज में फर्टिलाइजेशन के बाद बीज बनने तक भी बीज में अगर न्यूसिलस की कुछ मात्रा बची रहती है तो न्यूसिलस की उस बची हुई मात्रा को ही हम कहते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब फर्टिलाइजेशन के पश्चात सीड में ओव्यूल के न्यूसिलस का कुछ भाग शेष रह जाता है तो उसे ही हम पेरिस्पर्म कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन के पश्चात सीड में ओव्यूल के न्यूसिलस का कुछ भाग शेष रह जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। इसका एग्जांपल है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, बीट, चुकंदर। ठीक है, अब हम लोग सीड कोट के बारे में समझते हैं कि सीड कोट होता क्या है। ऐसा करते हैं, एक और फिगर हम बनाते हैं। ये है ओव्यूल, इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, अब किस में ये चेंज कर जाएगा, सीड में चेंज कर जाएगा। ठीक, तो देखो जरा सा फिगर, ये चलो ओव्यूल सीड में चेंज किया, तो यही है मेन सीड। हम सीड को थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ये है सीड। अब होता क्या है कि ओव्यूल के बाहर जो ये दो कवर होता है ना, एक है आउटर इंटिगमेंट, एक है इनर इंटिगमेंट, तो ये जो ओव्यूल के बाहर का कवर है ये बाद में ये बीज के बाहर का कवर बन जाता है। ये जो अभी हम बनाए हुए हैं ये क्या है, ये हो गया सीड, यानी कि ये हो गया बीज। तो ओव्यूल कन्वर्ट होकर के बना लिया बीज, सीड, लेकिन ओव्यूल का कवर बीज के कवर में चेंज कर जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओव्यूल के ये जो बीज है, बीज के बाहर भी दो कवर बनाते हैं, तो एक कवर चलो ये हो गया और दूसरा कवर चलो ये हो गया, हम बीज के बाहर दो कवर बना दिए। तो ये जो बाहर वाला आउटर इंटिगमेंट था उससे बीज के बाहर का कवर बना, और बीज के बाहर के कवर को हम बोलते हैं टेस्टा। ठीक है, और जो इनर इंटिगमेंट था अंदर वाला कवर, उससे बीज के अंदर का कवर बना, और बीज के अंदर वाले कवर को हम बोलते हैं टेगमेन। क्या बोलते हैं उसको, टेगमेन। और इस दोनों को हम मिला करके बोलते हैं सीड कोट, हिंदी में इसको बोलते हैं बीजावरण, यानी बीज के बाहर का कवर। देखो ओव्यूल में दो इंटिगमेंट है ना, जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट करेगा तो ये दोनों इंटिगमेंट जो है ये सीड के कवर में चेंज कर जाएगा। तो बीज के बाहर जो कवर होता है उसको बोलते हैं सीड कोट, बीजावरण, जिसमें से बाहर का जो कवर है उसको बोलेंगे टेस्टा, अंदर का जो कवर उसको बोलेंगे टेगमेन। अब ये जो टेस्टा है ये किससे बना है, तो ये आउटर इंटिगमेंट से बना है। ये टेगमेन किससे बना है, ये इनर इंटिगमेंट से बना है। और यहाँ पर जो इंटिगमेंट में छिद्र था माइक्रोपाइल, तो बीज बनने के बाद भी इस सीड कोट में एक छिद्र रहता है, यानी कि यहाँ पर भी ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर देखो ये छिद्र बन गया ना, तो यहाँ पर ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट रहता है। जब बीज अंकुरित होता है ना, जब बीज अंकुरण का समय आता है तो ये जो माइक्रोपाइल है यानी बीज का जो माइक्रोपाइल होता है वहाँ से ऑक्सीजन और वाटर प्रवेश करता है। यानी कि बीज अंकुरण के समय बीज के माइक्रोपाइल से बाहर से ऑक्सीजन अंदर जाएगा और वाटर भी अंदर जाता है। अब देखते हैं कि लिखा हुआ क्या है।
ठीक। देखो सिरकोट के बारे में क्या लिखा हुआ है, ओव्यूल का इंटीग्रमेंट फर्टिलाइजेशन के पश्चात सिर के कवर में परिवर्तित हो जाता है जिसे सिरकोट कहता है। लिखा है ना कि ओव्यूल का इंटीग्रमेंट फर्टिलाइजेशन के पश्चात सिर के कवर में परिवर्तित हो जाता है जिसे सिरकोट कहते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, आउटर सिरकोट को क्या बोलते हैं, टेस्टा, तथा इनर सिरकोट को क्या बोलते हैं, टेगमेंट। बाहर वाले सिरकोट को क्या बोलेंगे, टेस्टा, अंदर वाले को क्या बोलेंगे, टेगमेंट। ठीक है, फिर देखो क्या है, टेस्टा का निर्माण आउटर इंटीग्रमेंट से होता है तथा टेगमेंट का निर्माण इनर इंटीग्रमेंट से होता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, ओव्यूल का माइक्रोपाइल, ये है ना माइक्रोपाइल, ये ओव्यूल का माइक्रोपाइल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट में एक छिद्र के रूप में रह जाता है। देखो ओव्यूल के इंटीग्रमेंट में जो माइक्रोपाइल होता है ना, वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड के भी इंटीग्रमेंट, सॉरी सीड के सीड कोट में एक छिद्र के रूप में रह जाता है। और क्या लिखा है कि बीज अंकुरण सीड जर्मिनेशन के समय इस छिद्र द्वारा बीज में ऑक्सीजन तथा जल प्रवेश करता है। इतना समझ में आया। अब क्या है, डोरमेंसी प्रसुप्ति क्या होता है, ये डोरमेंसी प्रसुप्ति क्या होता है इसको समझो। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं इसको समझना है, लिखा हुआ हम पढ़ देंगे। ठीक, देखो जैसे जैसे बीज मैच्योर होता है, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, तो बीज के अंदर वाटर की मात्रा घटने लगती है, पानी की मात्रा वहाँ पर कम होने लगती है। और जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती है, वैसे वैसे बीज ड्राई होते चला जाता है, बीज सूखने लगता है, बीज शुष्क हो जाएगा, यानी कि ड्राई टाइप का हो जाएगा। और जैसे बीज ड्राई होता है ना, तो बीज के अंदर जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो में चल संपन्न होने वाला जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो धीमा पड़ जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, सेल के अंदर अगर कोई केमिकल रिएक्शन संपन्न होता है ना, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जीवन को बनाए रखने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी का होना जरूरी है। जहां मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है, वहां जीवन का लक्षण भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, तो हम बोले जैसे जैसे बीज मैच्योर होता है, वैसे वैसे बीज के अंदर में वाटर की मात्रा घटने लगती है, बीज सूखने लगता है, बीज ड्राई टाइप का होने लगता है। जैसे बीज सूखेगा, तो बीज के अंदर का जो एम्ब्रायो है, उस एम्ब्रायो के सेल्स में होने वाला जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो धीमा पड़ जाता है। जैसे जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी धीमा पड़ जाएगा, वैसे वैसे बीज अक्रियाशील हो जाएगा, यानी कि बीज के अंदर का जो एम्ब्रायो है ना, वो अक्रियाशील इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। यानी कि अक्रियाशील, अब वो किसी तरह के का फंक्शन करता नहीं है, अक्रियाशील अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में वो चला जाता है। और बीज के एम्ब्रायो का निष्क्रिय अवस्था में जाना ही कहलाता है डोरमेंसी। ठीक है, तो जब तक वो डोरमेंसी वाले कंडीशन में रहेगा, तब तक बीज अंकुरित नहीं होगा। फिर सही मौसम आया, फिर जो है हम क्या करते हैं, बीज को खेत में डाल देते हैं। तो जैसे खेत में डालेंगे, तो फिर बीज को थोड़ा सा नमी मिल जाएगा, उपयुक्त टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक, तब फिर वो बीज, फिर बीज के अंदर का जो एम्ब्रायो है वह एक्टिव अवस्था में आ जाता है, एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको सही वातावरण मिल गया, उसको सही टेम्परेचर मिल गया, उसको ऑक्सीजन वाटर सब मिल गया। तो फिर धीरे धीरे बीज के अंदर का एम्ब्रायो अंकुरित होगा और उससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है। ठीक है, जिससे बीज शुष्क यानी ड्राई होता जाता है। ठीक है, फलस्वरूप एम्ब्रायो का सामान्य मेटाबॉलिक एक्टिविटी धीमा हो जाता है और एम्ब्रायो अक्रियाशील यानी इनएक्टिव अवस्था में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसूति यानी कि डोरमेंसी कहते हैं। तो बीज जैसे जैसे मैच्योर होगा, वैसे वैसे उसके अंदर वाटर की मात्रा घटेगी, और वाटर की मात्रा घटने से बीज ड्राई टाइप का हो जाएगा। बीज ड्राई हुआ तो बीज के अंदर का जो एम्ब्रायो है, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो पड़ जाएगा, और इस वजह से बीज के अंदर का एम्ब्रायो इनएक्टिव अवस्था में पहुँच जाएगा, और इनएक्टिव अवस्था में पहुँचना ही कहलाता है डोरमेंसी। जब फिर बीज को सारे कंडीशन, सभी उपयुक्त वातावरण उसको मिलेगा, तो फिर बीज के अंदर का एम्ब्रायो अंकुरित होगा और फिर नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो आज के क्लास में हम लोगों ने बीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में बीज
और फल दोनों के बारे में एक साथ दे दिया गया पढ़ने के लिए, यानी कि सीड का हेडिंग है और सीड को पढ़ते पढ़ते उसी में फ्रूट के बारे में दे दिया गया पढ़ने के लिए, यानी बीज के साथ साथ फल को एक साथ मिला करके पढ़ने के लिए दे दिया गया है। लेकिन हम उसमें से क्या किए, बीज वाले टॉपिक को अलग कर दिए। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो फल वाले टॉपिक पर होगा। तो एनसीईआरटी बुक में जहाँ पर बीज का हेडिंग है उसमें बीज और फल दोनों को एक साथ दे दिया पढ़ने के लिए, लेकिन हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। पहले बीज के बारे में बता दिए और अगले क्लास में हम लोग फल के बारे में पढ़ेंगे। अगले दो क्लास में ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।